प्याज के रस का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से हेयर ग्रोथ को डबल कर सकते हैं। जिन लोग की हेयर में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि DHT लेवल में नहीं है, DHT काफ़ी हाई हो गई है, जिससे आपके स्कैल्प में कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से आपके बाल काफ़ी थिन हो रहे, पतले हो रहे, और प्लस आपके हेयर के स्कैल्प के अंदर काफ़ी डेंड्रफ जमा होने लगा है, जिससे आपको काफ़ी बाल टूट रहे, झड़ रहे और बाल काफ़ी थीन हो गए। उन बालों के ऊपर आप किस तरीके से अनियन जूस का लगातार 7 दिन तक इस्तेमाल किस तरीके से करना है, जिससे आपकी हेयर फॉल एकदम से रुक जाए। तो आपको करना क्या है, भी इस वीडियो को लाइक करना है, और आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्मॉल साइज में रेड अनियन लेना है। अगर आपके पास नॉर्मल अनियन हो यानी प्याज हो तो भी चलेगा, लेकिन रेड वाली अनियन रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सल्फर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, अनियन के रस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई गई है जिससे हमारे स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो इससे होता है क्या कि हमारे स्कैल्प में जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तब हमारे हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होते हैं, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ने लगती है। जिन लोगों को काफ़ी स्कैल्प के अंदर डेंड्रफ जमा हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। हमारे स्कैल्प के अंदर फंगल प्रॉपर्टीज पाई गई थी वो भी धीरे धीरे क्लीन हो जाएगी। ये अनियन जूस से काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे स्कैल्प के लिए और हमारे हेयर के फॉलिकल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें। किस तरीके से यूज़ करना चाहिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्मॉल साइज में अनियन को लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पीस लेना है मिक्सर में, और उसका आपको कॉटन पर रख के पूरा रस निकाल लेना है अनियन का। अब इसको यूज़ किस तरीके से करना है, आपको डेली रात को ही यूज़ करना है, आपको दिन में यूज़ नहीं करना है, पूरी ओवरनाइट के लिए कम से कम आपकी स्कैल्प के अंदर ये अनियन का जूस 8 घंटे तक रहना चाहिए। एक दिन आपको शैम्पू करना है और एक दिन आपको शैम्पू नहीं करना है। इस तरीके से आपको लगातार 7 दिन तक इस रेड वाली अनियन का जूस का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके हेयर में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपके हेयर फॉल धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आपके जो बाल काफ़ी पतले होने लगे थे वो भी धीरे धीरे जाड़े होने लगेंगे। तो ये वीडियो को कैसे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।